कक्षा पाँच की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा पाँच में आज हम कर रहे हैं विषय गणित और हिंदी। देखिए, सबसे पहले गणित। गणित में मैंने एक इबारती पत्र लिखा है जिसको आपको पढ़ना है, समझना है और इसको हल करने का अभ्यास करना है। कैसे? देखिए, सवाल है, एक गोदाम में चावल के 3,967 बैग, 3,967 बैग, गेहूं के 4,592 बैग और चीनी के 2,669 बैग हैं। गोदाम में बैगों की संख्या ज्ञात करो। तो तीन प्रकार के बैग हैं। पहला, चावल के कितने हैं? 3,967, 3,967। गेहूं के कितने हैं? 4,592 बैग। कितने हैं? 4,592 बैग। और चीनी के 2,669 बैग है। तो गोदाम में बैगों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कितने प्रकार के हैं? चावल, गेहूं और चीनी। संख्या दे रखी है और गोदाम में बैगों की कुल संख्या है कितनी, वो आपको ज्ञात करके बतानी है। तो सबसे पहले हम हल करेंगे चावल। के बैग, चावल के बैग कितने हैं? 3,967। कितने हैं? 3,967। फिर अगले गेहूं, गेहूं के बैग, गेहूं के बैग कितने हैं? 4,592। चीनी के बैग, चीनी के बैग ये कितने हैं? 2,669। अब गोदाम में कुल बैगों की संख्या है कितनी, तो हम क्या कर देंगे, इसकी जोड़ कर देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ कर देंगे। और जोड़ करने का तरीका वही है, पहले आपको इकाई के अंकों को जोड़ना है, फिर दहाई, फिर सैकड़ा और फिर हजार। तो सबसे पहले इकाई के अंकों की जोड़ शुरू करते हैं। सात में कितने जोड़ने? दो। कितने? दो। तो सात के बाद आठ, नौ। कितने हो गए? नौ। फिर नौ में कितने जोड़ेंगे? नौ। नौ में कितने जोड़ने हैं? नौ। तो पाँच, छः, सात, आठ, नौ। तो नौ के बाद दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह। कितने हुए? अट्ठारह। तो अट्ठारह का आठ हासिल रह गई एक। अट्ठारह का आठ हासिल रह गई एक। अब इस हासिल को साथ में जोड़ते हुए चलना है। तो एक में कितने जोड़ेंगे? छः जोड़ेंगे। एक में कितने जोड़ेंगे? छः जोड़ेंगे। तो एक के बाद दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। कितने हुए? सात। फिर सात में कितने जोड़ने हैं? नौ। कितने जोड़ने हैं? नौ। तो पाँच, छः, सात, आठ, नौ। तो सात के बाद आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह। कितने? सोलह। सोलह का कितना आएगा यहाँ पे? छः। कितना आएगा? छः। और एक लग जाएगी ऊपर हासिल। क्या लग जाएगी? हासिल। फिर देखिए आगे हासिल को जोड़ते हुए नौ में कितने जोड़ेंगे? एक। तो नौ रे कितना हो गया? दस। फिर दस में कितने जोड़ेंगे? पाँच। कितने जोड़ेंगे? पाँच। तो दस के बाद ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह। फिर पंद्रह में कितने जोड़ेंगे? छः। कितने? छः। तो पाँच, पाँच रे छः। तो पंद्रह के बाद सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस। कितने? इक्कीस। अब 21 का एक हम किस में उतारेंगे? योगफल में। और दो हासिल के रूप में
ऊपर लग जाएगा। अब हासिल को जोड़ते हुए चलेंगे तो दो में कितने जोड़ेंगे, तीन जोड़ेंगे, दो में कितने जोड़ेंगे, तीन जोड़ेंगे, तो दो के बाद तीन चार पाँच, फिर पाँच में कितने जोड़ेंगे, चार जोड़ेंगे, तो पाँच के बाद छः सात आठ नौ, फिर नौ में कितने जोड़ेंगे, दो जोड़ेंगे, तो नौ के बाद दस ग्यारह, कितने ग्यारह, टोटल कितना हुआ 11,168। तो ये क्या आएगी, कुल बेगों की संख्या, कुल बेगों की संख्या 11,168। तो इस सवाल को इस प्रकार से हल करना है, सवाल को पढ़िए समझिए और फिर इसको आप हल करने का अभ्यास कीजिए। फिर है हिंदी, हिंदी में हमने लिया है यार प्रश्न, निम्नलिखित लोकोक्तियों के अर्थ लिखिए। लोकोक्ति का अर्थ मतलब होता है लोगों के द्वारा कही जाने वाली बातें, जैसे ऊँट के मुंह में जीरा, ऊँट के मुंह में जीरा। अब इसका अर्थ क्या होता है, ऊँट तो आपने सबने देखा होगा, ऊँट एक बहुत बड़ा जानवर होता है, उसका मुंह भी क्या होता है बड़ा। अब जीरा कितना सा होता है, इतना सा, जीरे की जो मात्रा है वो कितनी होती है, छोटी सी होती है जीरा, तो ऊँट के मुंह में जीरे का मतलब हो गया उसके मुंह में न के बराबर, यानी वो खाएगा तो वो उसकी भूख नहीं मिट पाएगी। तो ऊँट के मुँह में जीरा का मुहावरे का अर्थ होता है आवश्यकता, आवश्यकता से बहुत कम, आवश्यकता से बहुत कम, यानी चाहिए ज़्यादा लेकिन जो आवश्यकता है उससे बहुत ही कम मात्रा में किसी चीज़ का मिलना ऊँट के मुंह में जीरा कहलाता है। एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज, एक जगह गए कितने कार्य कर दिए, दो, फायदा हुआ आपको, एक पंथ में दो काज। तो इसका अर्थ क्या होता है, एक काम में दोहरा लाभ, एक काम में दोहरा लाभ। फिर है एक अनार सौ बीमार, एक अनार सौ बीमार, इसका अर्थ होता है किसी भी कोई भी चीज हो, चीज कम मांग ज्यादा, चीज कम और मांग ज्यादा, तो एक अनार सौ बीमार। दूध का दूध पानी का पानी, यानी इसका लोकोक्ति का अर्थ होता है सही निर्णय, क्या होता है सही निर्णय। और अगला है आगे कुआं पीछे खाई, आगे भी कुआं पीछे खाई, यानी सब तरफ से मुसीबत आना, सब तरह से मुसीबत आना, ये है लोकोक्तियों के अर्थ। इसको कॉपी में उतारिए, याद कीजिए और गणित के प्रश्न को फिर स्वयं हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।